राष्ट्रीय कृषि बाजार एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद कृषि उत्पादों विपणन समितियों को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। इसका उद्देश्य सभी कृषि उत्पादों को एक एकीकृत बाजार उपलब्ध करवाना है। खंडवा जिले में इस योजना से किसानों को किस प्रकार लाभ हो रहा है, पेश है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ई नाम के द्वारा सभी कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा लिए गए सभी फैसलों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने और स्थानीय व्यापारियों को बड़ी मंडियों से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से इस पोर्टल की शुरुआत की गई। खंडवा जिले के व्यापारी और प्रगतिशील कृषक इस योजना का काफी लाभ उठा रहे हैं। पोर्टल के जरिए थोक व्यापारियों और मिल संचालकों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार के जरिए दूर स्थित मंडियों से कृषि उत्पाद खरीदने का मौका मिलता है। वहीं ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध हो जाती है एवं मूल्य स्थिर होता है। खंडवा में इस योजना को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इसके तहत किसान को ऑनलाइन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस स्कीम से किसान को अपने माल का उचित दाम मिल रहा है। किसान के खाते में ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, जिससे दलालों से मुक्ति मिली है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत ई नेम के तहत हमारे यहाँ मंडी प्रांगण के अंदर लेब बना हुआ है। उसमें सबसे सर्वप्रथम मंडी के अंदर जैसे ही माल आता है उसका लेब में परीक्षण होता है। परीक्षण होने के बाद वो उसको वहाँ पे रखा जाता है पोर्टल पे कि भाई ये माल इस कैटेगरी का है। उसको बाद वो माल को ऑल इंडिया के व्यापारी उसको बोली लगाते हैं। इसकी सबसे खासियत ये है कि किसान जब अपना मंडी में माल लेके आता है तो उसको सबसे ज़्यादा बिचौलियों और जो मीडिएटर बीच के लोग हैं, अड़तिए हैं, इनसे छुटकारा दिया जाता है। मंडी पर वो माल लेके आता है, सीधा प्रवेश पर उसकी सामान्य जानकारी, प्रवेश पर्ची जारी की जाती है और जैसे ही सेट पे किसान हमारा माल लगाता है इस प्रक्रिया के तहत, तो उसका सैंपलिंग की जाती है।